आज हमारे साथ हैं सुशांत रे जी, जो कुछ दिनों पहले काफी ज्यादा खबरों में आ गए, न्यूज में आ गए, क्योंकि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की वैक्स की प्रतिमा बनाई, वैक्स स्टैचू बनाया, क्योंकि ये इतना ज्यादा खबरों में आ रहे थे सुशांत, इसकी वजह से आपने इनकी ये वैक्स स्टैचू, आप इनका ये वैक्स स्टैचू बनाया, या फिर आप इनके फैन थे, आपने इनके काम को बहुत ज्यादा देखा था, किस सोच से आपने ये बनाया? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो धोनी फिल्म किया ना, धोनी का एक्टिंग किया ना, मैं को अच्छा लगा, एक्टिंग देखा बहुत अच्छा लगा। मेरा लड़की बहुत उसका फैन है, उसका देहांत होने के बाद हमको भी खराब लगा। मेरा नाम सुशांत राय, उसका भी सुशांत सिंह राजपूत। मैं सोचा एक टाइम में जो मेरा नाम से एक आदमी एक बड़ा एक्टर है, तो हमको खूब खराब लगा उसलिए उसका देहांत होने के बाद। तो हम सोचा जे एक तो मूर्ति बनाएंगे, मेरा घर में एक तो म्यूजियम बना रहा, तो वहां पर रखेंगे। कितने दिनों पहले आपने शुरू किया बनाना और कितने दिन लगे इसको कंप्लीट होने में? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का मूर्ति स्टार्ट किया अभी 2-4 दिन पहले कंप्लीट हो गया। 1.5 महीने पहले आपने स्टार्ट किया? सर, आप ये जो वैक्स की जो प्रतिमा होती है, वैक्स स्टैचू होती है, आप उसको बनाने का काम कितने सालों से कर रहे हैं? पहले एक मूर्ति बनाया, एक साल में अमिताभ बच्चन का मूर्ति बनाया, जो मैडम तुसो गैलरी में अमिताभ बच्चन का एक मूर्ति बनाया था, उस टाइम हम भी बनाया, पहले मूर्ति वही है। जी जी, तो आपने 2001 में अमिताभ बच्चन जी की पहली मूर्ति बनाई थी। आप अमिताभ बच्चन जी के फैन हैं, जो पहली आपने? फैन है बहुत। आप ये मूर्तियां बनाने का काम कितने सालों से कर रहे हैं? मूर्ति से देखिए, मैं इंडियन आर्ट कॉलेज से गोल्ड मेडल लेके पास किया 1980, बाद में 1980 से आप मूर्ति बनाते, बहुत मूर्ति बनाया, ब्रोंज स्टैचू बनाया, फाइबर स्टैचू बनाया, बहुत स्टैचू बनाया। 2001 से अभी मोमका पुतला बना रहा, इतना मूर्ति बनाया अभी तक। मोमका पुतला 75 बन चुका। आपने 75 मोम के पुतले बनाए हैं अभी तक? अभी तक। सुशांत जी, हम लंदन का जो फेमस वैक्स म्यूजियम है, देखते हैं कि जब वहां से कोई आता है, कोई मोम का पुतला बनता है, तो वो हमारे देश में कई बड़े बड़े लोगों के पुतले बनाए गए हैं, और उस म्यूजियम से लोग आकर मेजरमेंट लेते हैं चेहरे के, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर उसका माप लेते हैं। आप कैसे बना लेते हैं, क्योंकि आप तो आसनसोल में एक कमरे में बैठकर बनाते हैं, किस तरह से बना लेते हैं आप, ये मेजरमेंट वगैरह कैसे लेते हैं? देखिए, मेजरमेंट नहीं मिलते, हम कोशिश करेंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि मैडम तुसो नाम बहुत है ना, उसका पास हर आदमी लोग बोलेंगे तो चल जाता, मैं बोलूंगा तो उसका माप ही नहीं देंगे, तो माप छोड़ के हम बनाते, माप छोड़ के मैडम तुसो भी नहीं बना सकेंगे, मैं उसका माप ही लेके बनाएंगे, तब उसको होगा। और किनके किनके वैक्स स्टैचू बनाए हैं आपने? देखिए, बहुत मूर्ति बनाया, ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर थे, 2003 में बनाया, और 2003 में और अमिताभ बच्चन 2-4 मूर्ति बनाया, करुणानिधि का बनाया, सचिन तेंदुलकर के भी बनाया, और मोदी जी उसका भी, उसका माता जी की भी बनाया, और रोनाल्डिनो बनाया, माराडोना जो आया था उस टाइम, माराडोना का मूर्ति बनाया, ऐसा हिसाब से करके बहुत मूर्ति बनाया। मेरा घर में भी बहुत मूर्ति है, अभी 14 मूर्ति है मेरा पास, 14-15 मूर्ति है, और कलकत्ता वैक्स म्यूजियम में 35 मूर्ति बनाया, और जयपुर वैक्स म्यूजियम में 15 मूर्ति मेरा
बनाया वहां पर। आपने इतनी मूर्तियां बनाई, आप अपने घर में बैठ के बनाते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई बड़े वैक्स म्यूजियम ने आपको अप्रोच किया हो या मैडम टुसॉर्ड्स ने आपको अप्रोच किया हो कि आप हमारे लिए बनाइए? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ देख कर बनाते हैं, बाकी लोगों की तो पूरी टीम आती है, वो मेजरमेंट लेती है, वो तमाम जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करती है, आप सिर्फ देख कर बनाते हैं। तो आपको कभी मैडम टुसॉर्ड्स या कभी किसी बड़ी वैक्स म्यूजियम कंपनी ने अप्रोच किया है? नहीं, नहीं किया। मैं कोशिश नहीं किया, वो भी नहीं किया। मैं देखिए मैडम टुसो एक आदमी नहीं बनाते, दो बहुत मूर्ति बनाते हैं, बहुत लोग है। मैं अकेला ही बनाता हूँ, मेरा हेल्पिंग है, थोड़ा है मेरा पास, मेरा स्टूडेंट है, वो भी हेल्प करते। तो आप वहां पे बच्चों को सिखाते भी हैं, जो विद्यार्थी सिखाते, लेकिन वो अच्छा नहीं बना सकते। सर ये बताइए कि आप कलकत्ता आर्ट कॉलेज से, आपने बोला आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वहां पे जब आपने पढ़ाई की थी तो क्या वहां पे वैक्स के जो प्रतिमा थी वो भी, उसकी भी ट्रेनिंग मिली थी, या फिर जो ब्रोंज स्टैचू है या फिर जो मिट्टी की मूर्तियां हैं या फिर इन सब चीजों की ही ट्रेनिंग मिली थी? या वैक्स का मूर्ति कहां पर भी नहीं बनाते इंडिया में, पहले 2001 साल में पहले हम बनाया, इंडिया का कोई आदमी नहीं बनाया, हम पहले बना, इंडिया का पहले हम बनाया, दूसरा बाद में बनाया, कोई कोई है बना रहा अभी। तो भारत में सबसे पहले मोम की प्रतिमा वैक्स स्टैचू बनाने वाले आप हैं? हाँ, उस टाइम पेपर में दिया था, जो पहले मापी छोड़ के बनाया, उसका बाद में ज्योति वसु का जो बनाया ना, बहुत ऊंचा हो गया ना, वहां पर आदमी लोग सब जान गया। अमिताभ बच्चन का दूसरा तीसरा मूर्ति बनाया। तो आप जो ये मूर्तियां बनाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के, जैसे ज्योति बसु के, और आप तो खुद से बनाते हैं, फिर क्या है, आप इसे कॉमर्शियल पर्पस से जाके उनको देते हैं, बेचते हैं, या फिर वो लोग खुद पैसे देते हैं? कैसे आपका जो ये पैसे का पर्पस होता है, इनकम का, वो कैसे सॉल्व होता है? देखिए पहले तो मैं बनाता हूँ गिफ्ट किया, सचिन तेंदुलकर का मूर्ति बनाया था 2013 में आया था, उसको कलकत्ता टेस्ट में उसको मूर्ति देख के सचिन का वाइफ उसको पसंद किया, उसका घर में देखे आया, सचिन का घर में एक मूर्ति है सचिन तेंदुलकर का मूर्ति, मैं गिफ्ट किया, राष्ट्रपति भवन में किया था, प्रणब मुखर्जी का एक मूर्ति बनाया जब वो राष्ट्रपति हुआ था, तो बंगाली हिसाब से हम दे के आया, वो राष्ट्रपति हमको हेल्प किया रुपया, वो राष्ट्रपति जी हमको बोला था कुछ रुपया ले लो, हम नहीं लेने थे, नहीं चाहते थे, लेकिन उसको जबरदस्ती हम, लेकिन वो बोला था से जो और मूर्ति बनाई, बड़ा हो आप, बड़ा हो, मैं क्यों अच्छा लगेगा। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने आपकी जो फाइनेंशियल हेल्प की, आपको पैसे के तौर पे मदद किया था आपको? नहीं, वो जो मूर्ति बनाया उस हिसाब से हमको हमको कुछ रुपया दिया। सर आप इतने सालों से बना रहे हैं, आप अपने पैसे खुद से इन्वेस्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो भारत देश में ये जो आप वैक्स की मूर्ति बना रहे हैं और बाकी जो मूर्तियां बनाने का है, क्या आपको जितना लगाते हैं पैसा और जितने मेहनत लगाते हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है? नहीं, रिटर्न तो नहीं मिलता, लेकिन मेरा शौक है, मैं दूसरा मूर्ति बनाते स्कल्पचर का, कोई ब्रोंज का स्टैचू बनाते, वहां से पैसे मिल जाते, तो हिसाब से मेरा घर में एक तो हमका मेरा साथ है जो हम कुछ करूं, माने कुछ करना चाहिए हमको, इसलिए हम पूजा बनाते थे। अभी ऑर्डर मिल जाता है, बहुत ऑर्डर मिलता है, पैसा भी मिल जाते मेरा, इसलिए आसनसोल में देखिए मैं रहता हूँ, एक छोटा शहर आसनसोल, वहां पर एक तो म्यूजियम बना रहा, मेरा घर में म्यूजियम बना रहा, यहाँ जो म्यूजियम बना रहा कोई
नहीं बोला, हेल्प नहीं किया। सोचा तो मैं भी अपना हाथ से मेरा पैसे से एक म्यूजियम बनाऊं। अभी 350 स्क्वायर फीट का एक म्यूजियम बना रहा। बोलिए। तो जो मैं समझ पा रही हूँ कि आसनसोल में आप अपने घर में वैक्स म्यूजियम बना रहे हैं और आपको कहीं से, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई आर्ट लवर हो, कहीं से किसी से भी आपको किसी तरह की आर्थिक मदद फिलहाल नहीं मिल रही है? नहीं, नहीं मिल रहा। मैं अपना खुद कमाने के बाद म्यूजियम बना रहा, इसलिए इतना दिन लेट हो गया। 20 साल से काम कर रहा ममता पुतला, अभी अभी तो इसलिए अभी लेट हो गया, अभी बना रहा। तो जी, बेसिकली आप इस म्यूजियम पे 20 साल से काम चल रहे कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर वो थोड़ा आप स्पीड अप हुआ है, वो थोड़ा सा तेजी से काम चल रहा है। तो वो म्यूजियम में सुशांत सिंह राजपूत का मूर्ति रखेंगे, इसलिए बनाया। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की आपने मूर्ति बनाई है और आप उसको उस म्यूजियम में रखना चाहते हैं, तो इसलिए आपने उस म्यूजियम के काम को थोड़ा तेज बनाया। तो सर, हम और ये जानना चाह रहे थे कि आप और किन की मूर्ति रखने वाले हैं अपने म्यूजियम में, जो आसनसोल में म्यूजियम बना रहे हैं? तो आसनसोल में म्यूजियम में अमिताभ बच्चन का मूर्ति है, सोलेन मन्ना, सुभाष चक्रवर्ती, उत्पल दत्त, ज्योति बसु, चीफ मिनिस्टर हमको बंगाल का, ममता बनर्जी, अमिताभ बच्चन, कोहली, विराट कोहली, रोनाल्डिनो और स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर, आगरा आगरा करके 24-25 तो मूर्ति रखेंगे। जी जी जी, आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपने नरेंद्र मोदी जी की भी मूर्ति बनाई थी। हाँ, उसका वो एक तो मूर्ति बनाए थे, उसका माता जी का मूर्ति बनाए, उसका वो मूर्ति अभी जयपुर में है, जयपुर में जो ऑर्डर दिया था एक म्यूजियम का, वो वहां पर लेके गया, वहां यहाँ है। जी जी, वो जयपुर म्यूजियम में है। हाँ जी, मुझे ये बताइए सुशांत जी, आप 1980 से अलग अलग तरह की मूर्तियां बना रहे हैं, 2001 से वैक्स की मूर्तियां बना रहे हैं, सरकार से कौन कौन से जो अवार्ड होते हैं, प्रोत्साहन होते हैं, आपको किस तरह के मिले, बंगाल सरकार से या भारत सरकार से? भारत सरकार से कोई अवार्ड नहीं मिले, बंगाल सरकार से ममता बनर्जी दिए थे, अवार्ड दिए थे 2015 में दिए थे। अभी जो सम्मान मिला दत्त संस्कृति विभाग कैलकाटा में होता है यहाँ, उसी हिसाब से विशेष सम्मान दिया थे, उसको फोटो देखो, दिखाओ। जी, तो 2015 में ममता बनर्जी की जो सरकार है, अवार्ड दिया। हाँ। मेरे को अवार्ड दिया, विशेष सम्मान दिया था। हाँ, विशेष जी। और उसके अलावा अभी आपको और कोई भारत सरकार की तरफ से और कोई पद्मश्री या इस तरह के कोई सम्मान अभी तक मिला नहीं है? नहीं, पद्मश्री कोई सम्मान नहीं मिला। तो सर, आपने सुशांत की मूर्ति बनाई, सुशांत सिंह राजपूत की। आने वाले वक्त में आपके कोई एक ऐसे पसंदीदा लोग हैं जिनकी आप मूर्ति बनाना चाहेंगे, कौन है वो लोग? अक्षय कुमार का मूर्ति बनाएंगे। जी जी, तो आप अक्षय कुमार की मूर्ति बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि सरकार को आपकी मदद करनी चाहिए कि आप की जो ये कला है और ये हुनर है उसको एज अ एकेडमी के तरह एक उसको स्थापित करना चाहिए, उसको सेटअप करना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए, ये आप सरकार से मांग करेंगे? मांग कर रहा है, दिल्ली सरकार के मांग कर रहा है, दिल्ली सरकार करेंगे तो होगा, नहीं तो यहाँ तो अभी जो म्यूजियम बनाया वो तो मेरा मैं भी हेल्प हो गया, उसका म्यूजियम का रुपया मिला हमको, टंका मिला, लेकिन उसका मैं टंका से मालूम नहीं है ना, तो मैं चाहता हूँ मेरा जो कलाकार है, कला है, वो सब आदमी को दिखाना के चाहिए। जी जी, सर सुशांत जी, आपने बात की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इस पूरी पहल के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं,
बिना कहीं से कोई आर्थिक मदद मिले बगैर आप इतने सालों से मूर्तियां बना रहे हैं, कई बार लोगों को ऐसे ही गिफ्ट कर रहे हैं, कई बार थोड़ी बहुत आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, सचमुच में ये बहुत ही तारीफ के लायक है। थैंक यू सो मच सुशांत जी, धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि ये जो कला है इसको और ज्यादा लोगों तक फैलाने के लिए सरकार आपकी मदद करे। धन्यवाद। धन्यवाद।